दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। इंडिया बुल्स को दोस्तों बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के चलते मुझे लगता है आगे आने वाले वीक में इस शेयर प्राइस में नेगेटिव असर भी देखने को मिली है। तो क्या बड़ा झटका लगा है, क्या बड़ी न्यूज है, उसके अलावा एक और न्यूज है, कुल मिलाकर के दो न्यूज है। उसमें एक न्यूज तो दोस्तों ठीक ठाक है, एक न्यूज जो देखे तो अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव अभी तो दिखाई दे रही है। इसी के चलते यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कोर्ट में भी पहुंचा है, तो पूरी न्यूज बताने की कोशिश करूंगा और मैं जाऊंगा। इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके बिल्कुल इंकरेज करिए दोस्तों, और मेरे चैनल में नए हम तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, तो दोस्तों आप अपना भी मुझे प्यार जताते रहिए। और यहाँ पे आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए। कल मैंने यहाँ पे IGL, MGL, वोडाफोन आइडिया और यहाँ पे टाटा मोटर्स के ऊपर भी वीडियो बनाया था, और जो IPO निकल करके आने वाला है 2 दिसंबर को बर्गर किंग का, उसके ऊपर भी फुल डिटेल एनालिसिस करी है। आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है वो भी मैंने इसमें बताया है, तो इस वीडियो को भी देखना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। तो मैं पहले सिचुएशन दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की क्लोजिंग देखें तो 186.25 रुपये के आसपास बंद हुई थी। यहाँ पे ऊपर की तरफ से गिरावट के सिचुएशन, हालांकि आधे घंटे लास्ट में देखने को मिला था, 5 रुपये से ऊपर बंद हुआ है 0.30% की तेजी के साथ, हालांकि ये बंद होता हुआ दिखाई दिया था। कारोबार की डिटेल में भी नजर कर लेंगे, इसके लिए मैं आपको NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखे दोस्तों, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है, 186.25 रुपये के आसपास क्लोजिंग, 55 पैसे ऊपर 0.3% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 185.70 रुपये, ओपन होता है 187.10 रुपये के आसपास, हाई बढ़िया बनाया 192.20 रुपये का। यहाँ पे लो दिखाई दे रहा है 180 रुपये के आसपास का, और जो क्लोजिंग निकल करके आई 187.05 रुपये के आसपास दिखाई दे रही है। कारोबार भी तगड़ा हुआ है, 2,56,55,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करें 54,46,000 शेयर की डिलीवरी, डिलीवरेबल परसेंटेज देखें 21.23% यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कारोबार यहाँ पे ठीक ठाक हमें नजर आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं जो बड़ा झटका लगा है, जो बड़ी खबर निकल करके आई है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया बुल्स टू मूव कोर्ट चैलेंजिंग LVB DBS मर्जर। LVB मतलब क्या, लक्ष्मी विलास बैंक एंड DBS बैंक का जो मर्जर हुआ है, हाल फिलहाल में ही हुआ है, तो उसको लेकर के उसको चैलेंज करते हुए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दिया है। तो आप बोलोगे इन दोनों का मर्जर हुआ तो यहाँ पे इंडिया बुल्स का क्या लेना देना, और यहाँ पे इंडिया बुल्स को क्या झटका है। तो दोस्तों, जो पूरा यहाँ पे मैटर है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके न्यूज पढ़ के बताना चाहूंगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर ऑफ द लक्ष्मी विलास बैंक टू हैज मूव टू बॉम्बे हाई कोर्ट सीकिंग लीगल इन्वेस्टिगेशन इन द मर्जर ऑफ द बैंक विद द सिंगापुर बेस्ड DBS बैंक। तो दोस्तों, यहाँ पे मैटर्स ये है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लक्ष्मी विलास बैंक में एक मेजर शेयर होल्डिंग यहाँ पे उसके अंदर होल्ड करता है, एक जो यहाँ पे कितनी होल्ड करता है वो भी मैं बताना चाहूँगा नीचे आपको लेकर के। तो यहाँ पे जो इस जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको पहले बता दूँ कि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस की यहाँ पे जो मर्जर में जो तय किया गया है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है द इंटायर इक्विटी पेड अप कैपिटल ऑफ एल लक्ष्मी विलास बैंक शेयर होल्डर विल बी रिटर्न ऑफ द शेयर will be cash to trade and get delisted from the exchange with the effect from November 27th। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक के जितने भी शेयर होल्डर है उसको उसके बाद जितने भी शेयर है उस सब की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो लक्ष्मी विलास बैंक है वो यहाँ पे हमारे स्टॉक एक्सचेंज से भी डीलिस्ट हो जाएगा, जो कि November 27th से लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले मैंने बताया कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मेजर शेयर होल्डर था लक्ष्मी विलास बैंक का, जो इसके पास शेयर होल्डिंग थी परसेंटेज में देखे तो 5% की हिस्सेदारी उसने यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक में लेकर के रखी थी। तो यहाँ पे अभी जो जितनी भी हिस्सेदारी की जितनी भी अमाउंट होगी वो तो जीरो हो जाएगी, और इसी के चलते यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कोर्ट में इसको चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और भी शेयर होल्डर्स के नाम है, मैं चाहूंगा और आपको इंकरेज करूंगा कि वीडियो को पूछ करके आप ये नाम पढ़ सकते हो।
तो दोस्तों इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ऑलरेडी लिक्विडिटी से जूझ रहा है, उसके पास कैपिटल की ऑलरेडी कमी है और यहाँ पे ऐसा होगा कि जो हिस्सेदारी है अलग अलग जगह उसमें जीरो हो जाएगा, तो अपने आप में बहुत बड़ा झटका मुझे इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा था कि अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में मंडे से इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जो भी शेयर होल्डर है वो अपने आप में थोड़ा अलर्ट हो सकते हैं। या मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ स्टॉप लॉस और कहाँ टारगेट लगाना है, क्या करना है। तो इस वीडियो के साथ मैं चाहूंगा पूरा पूरा बने रहे, इससे पहले हम दूसरी जो न्यूज़ है उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको दोस्तों यहाँ पे लेके आया हूँ, ये थोड़ी बहुत ठीक ठाक न्यूज़ है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे देखें तो 75 करोड़ रुपए राइज करने वाले हैं एनसीडीज इश्यू करके, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऐसा यहाँ पे कंपनी ने बताया है। तो ये दोस्तों अच्छी न्यूज है, यहाँ पे पैसे एकत्रित कर रहे जो कि उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। परंतु जो लक्ष्मी विलास वाली बैंक है उसकी जो हिस्सेदारी जीरो हो जाएगी, जो जो अमाउंट है जो वो सब जीरो हो जाएगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे, चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं, जो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में माल लेकर के बैठे हैं वो क्या करे वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ, यहाँ पे मैंने चार्ट ऑलरेडी खोल के रखा है। मैंने आपको पहले बता दूं दोस्तों 130 रुपए के आसपास बाइंग करने के लिए बोला था, उसके बाद 145 रुपए के ऊपर निकला तब भी बाइंग करने के लिए बोला था। आई होप कि आप लोगों ने वहां पे वीडियो देखा होगा और यहाँ पे बाइंग इनिशिएट की होगी, तो आप अच्छे खासे मुनाफे में बैठे होंगे। परंतु तो अभी यहाँ पे जो न्यूज तरह की न्यूज है निकल करके आ रही है वो अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो मैं आपको जूम आउट करके दिखाना चाहूंगा कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये जो ट्रेंड लाइन है उसको काफी समय से यहाँ पे फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस अपने आप में काफी दिनों से इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल में ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा सस्टेन नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे दूसरी अटेम्प्ट हुई है, हालांकि ट्रेंड लाइन की एकदम पास क्लोजिंग हुई है। तो देखना होगा कि यहाँ पे सस्टेन होती है कि नहीं, पर जिस तरह की न्यूज निकल करके आ रही है सस्टेन होना मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं 186 रुपये के आसपास क्लोजिंग है, तो मेरे ख्याल से आपको 180 रुपये या 172 रुपये के आसपास एसएल लग करके अभी इसमें होल्डिंग करना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे एग्जिट करके भाग जाओ या आप इंडिया हाउसिंग फाइनेंस का शेयर तबाह हो जाएगा, दबा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हाँ, हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत नेगेटिव असर शेयर में दिखाई दे सकती है, इसलिए दोस्तों बोल रहा हूँ 180 के आसपास भी सपोर्ट है, 172 रुपये के आसपास भी सपोर्ट है। मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो 172 रुपीज के आसपास आप एसएल लेके इस पर होल्डिंग कर सकते हो, इसके नीचे भी एसएल ले सकते हो, 160 रुपये के आसपास भी सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, अगर ऊपर भागा यहाँ पे इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ या तो फिर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो वो 202 रुपये तक पहले जा सकता है, वहाँ रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर 225 और 250 के भी लेवल है जो कि अच्छी न्यूज़ आई तो आ सकते हैं। हालांकि तेजी बनी हुई थी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, भाग रहा था ऊपर, पर अचानक से यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर हो गया और यहाँ पे ऐसा डिसीजन निकल करके आया है। तो मैं चाहूंगा आप क्लोजली वॉच आउट करिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर को मंडे से, और यहाँ पे आरएसई का लेवल देखे तो दोस्तों 54.32 का है, तो अभी भी अच्छा खासा पॉजिटिव आरएसआई दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा आप स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों मेरी तरफ से कोई एडिशनल हेल्प चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने भी जीरो में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है उसको भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।